जी चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। मुंबई से गोवा, मुंबई टू गोवा जो जांच चल रही है नारकोटिक्स की, एनसीबी की, उस जांच में धर दिए गए हैं कई बड़े सितारे। पूरा मुंबई फंस गया है ड्रग्स के कारोबार में। मुंबई के अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे सुपरस्टार इस मामले में लपेटे में आ गए हैं। चलिए पहले मैं सिलसिलेवार आपको कुछ रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा वो सनसनीखेज सच, जिनसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि जिनको आप अपना सुपरस्टार मानते थे, अपना हीरो मानते थे, जिनको देखने के लिए आप कुछ भी कर सकते थे, वो दरअसल देश के असली गद्दार हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जुड़े ड्रग्स एंगल की जाँच के सिलसिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन ड्रग्स रैकेट केस में इन 6 संदिग्ध पेडलर की आज मुंबई एनसीबी की विशेष अदालत में पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन आरोपियों को मुंबई में एनसीबी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। मुंबई से 5 और गोवा से 1 ड्रग पेडलर गिरफ्तार हुआ है। जिन लोगों को आज पेश किया जाएगा उनमें से ड्रग पेडलर करमजी ड्रेन फर्नांडिस, अंकुश अरेंजा शामिल हैं। एनसीबी ने सबसे पहले ड्रग पेडलर करण अरोड़ा अब्बास को पकड़ा। इनसे मिले इनपुट के बाद एजेंट जैद बित्रा अब्दुल बासित परिहार को गिरफ्तार किया गया। इनके CDR इनपुट से रिया के भाई सौविक चक्रवर्ती, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा का नाम सामने आया है। सौविक चक्रवर्ती और सैमुअल से पूछताछ में ड्रग तस्कर कैजान इब्राहिम के बारे में भी जानकारी मिली। फिर एनसीबी ने कैजान इब्राहिम को गिरफ्तार किया। कैजान से पूछताछ में ड्रग पेडलर करमजीत के नाम खुलासा हुआ। रविवार को करमजीत को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। 10 अक्टूबर 2019 को सौविक चक्रवर्ती की चैट में करमजीत का नाम सामने आया था, जिसमें सौविक अपने दोस्त को ड्रग के लिए करमजीत का नाम रेफर कर रहा था। कैजान इब्राहिम से पूछताछ में अनुज केसवानी का नाम सामने आया, जिसके बाद 6 सितंबर को खार इलाके में अनुज केसवानी को भारी ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। अब अनुज केसवानी की निशानदेही पर गोवा से जुड़ा एक और नाम सामने आया है, जिसको क्रिस कोस्टा के नाम से जाना जाता है। क्रिस कोस्टा अनुज केसवानी को LSD ड्रग सप्लाई किया करता था। इसके साथ ही संदिग्ध ड्रग पेडलर ड्रेन के बारे में जानकारी मिली, जिसने दीपेश सावंत सौवी को कई बार ड्रग सप्लाई की थी। ड्रेन को भी NCB ने गिरफ्तार किया है। अब आपको NCB की जांच में ड्रग्स सिंडिकेट पर जो बड़ा खुलासा हुआ है उस पर कड़ी समझाते हैं। इस खुलासे से ड्रग कार्टेल और बॉलीवुड लिंक को समझने में मदद मिलेगी। मुंबई से NCB ने एक बड़े ड्रग पैडलर करमजीत उर्फ KJ को गिरफ्तार किया। करमजीत सुशांत के पूर्व स्टाफ दीपेश सावंत, सुशांत के पूर्व मैनेजर सैमुअल मिरांडा को ड्रग सप्लाई करता था। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए करमजीत यानी KJ ने दीपांश सावंत, सैमुअल मिरांडा के जरिए सुशांत को अब तक करीब 10 बार ड्रग की सप्लाई की थी। सुशांत भी ड्रग्स लेते थे, इस बात का खुलासा हो चुका है। लेकिन आप बता दें, अब बात करते हैं रकुल प्रीत सिंह की, जिसका नाम रिया चक्रवर्ती ने NCB के सामने लिया है। रकुल खुद दुनिया के सामने ड्रग का विरोध करती रही, ड्रग के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही, ड्रग के खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन अब उन्हीं का नाम रिया के ड्रग गैंग में सामने आया। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह का ड्रग कैरियर भले ही 2019 में शुरू हुआ, लेकिन फिल्मी कैरियर 2009 में शुरू हो गया था। रकुल प्रीत सिंह दिल्ली की रहने वाली है, नेशनल लेवल गोल्फ खेल चुकी है, लेकिन अब उनका खेल बदल चुका है। रकुल प्रीत अब रिया चक्रवर्ती की टीम में ड्रग्स का खेल खेल रही थी। दरअसल बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग मीडिया के वीडियो से बौखलाया हुआ है, जो इस समय चाहे जी न्यूज हो और भारत में जो मीडिया में जो चल रहा है उसे बौखलाया हुआ है। मीडिया ने जो सच दिखाया उसमें रिया और पूरी ड्रग मंडली का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। दरअसल बॉलीवुड स्टार की जिंदगी जितनी खूबसूरत नजर आती है, वो जितनी सुलझी और आसान लगती है, भीतर से वो इतनी ही मैली और उलझी होती है। आज हम आपको रिया और उनके ड्रग गैंग के बदलते चेहरे दिखाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं रिया से, जो खुद कहती है ड्रग्स की कहानी से वो डरती थी, फिर उसी ड्रग की एडिक्ट बन गई। बॉलीवुड की चमकती दुनिया के सितारे को असली चमक सबके सामने आ चुकी है। नशे के खेल में शामिल रहे चमकते चेहरों पर लगे मुखौटे हटने लगे हैं। रिया चक्रवर्ती लाइट कैमरा की चकाचौंध से कानून के कटघरे में पहुंची और फिर सीधे सलाखों के पीछे। इस डरावने सफर की वजह है रिया का ड्रग कनेक्शन। ये ड्रग कनेक्शन इंसान को काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं, इंसान को खुद से इतना दूर कर देते हैं कि वो भूल जाता है कि ड्रग के बाहर एक और जिंदगी भी है जो असल जिंदगी है।
आप बता दें जिस प्रकार से ड्रग्स के मामले में करण जौहर, रिया चक्रवर्ती, वरुण धवन, विकी कौशल, रणबीर कपूर जैसे बड़े नाम चेहरे सामने आ रहे हैं, इनके घर पर पार्टी होती थी, इनके घर पर पार्टी नहीं होती बल्कि ये ड्रग्स सप्लाई भी काम भी करते थे। और जिस प्रकार से अभी सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान का सामने नाम आया है, तो आप समझ सकते हैं कि फिल्मी दुनिया के पीछे बहुत बड़ा गंदा खेल खेला था, जो इस खेल में बड़े बड़े लोग शामिल थे। अब इन सब सारे का खेल ख़त्म हो चुका है, अब ये लोग सिर्फ इनकी सही जगह सलाखों के पीछे और उसके जाने के लिए ये लोग तैयार हैं। और दिल्ली पुलिस के से लेकर मुंबई पुलिस, या मुंबई पुलिस की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया भर की पुलिस जो है, जांच एजेंसियां जो हैं, किसी भी वक्त इन पर धावा बोल सकती हैं, क्योंकि NCB, CBI और ED जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो ताबड़तोड़ सबूत पेश करेंगी, जिसके आगे मुंबई पुलिस को मजबूर होना पड़ेगा। मैं अनुरोध करता हूँ खबर को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।